আছে, কেমন আছে, কি করছো, কি কহুজ পাচ্ছ কহ? কেমন আছে, এই যে আছে। এখন তার লাল চা আদা দি গোলকি দি খাবার মন, লাল চা বোনা কইলে বাবা, বোনা কে বনাবে গো মা, কে বনাবে? পড়শি দিন তো ফরমাইশ করে নি কিছু বি জিনিস, আর আজকু কহুছি টিকে মনে লাল চা বনাই দিও, সেটা বনাই দেউ না। কে বনাবে? কেন কেন তার নিজে করে যাও, কিছু তো ফরমাইশ করে নিজে করে দিও, সব তো নিজে করুছি। বল দিচ্ছি, আও কেমতি বনাইবে সেটা বি কই দেলি, দুই চামচ চাল চিনি দেবো। যে তো কিছু জানে সে নিজে নেই ফুটাই লিতে। আমি শুই পড়েছি, আমার আমার ছুটি আছে, আমি আমাকে টায়ার্ড লাগছে, আমি শুচ্ছি, কে জান। যাও চো, চাও নি ও চা, চিনি উপরে ডোবারে আছে, তলে ডোবারে সরি যাইছে। গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস, একচুয়ালি আজ ইনকা ছুটি হে, তো আজ নেত্র উৎসব হে, তো ইস বাত কা ছুটি হে, আর পুরা বাদল বাদল কিয়া হুয়া হে, হাম লোগ ব্রেকফাস্ট কর লিয়ে হে, ইডলি চটনি আর ইয়ে দুধ আর ইডলি খায়ে হে। তো অভি না অচানক সে মুঝে মন কিয়া কি মে থোড়া সা লাল চাই পিউ আর অদরক তেজপাত্তা সব দেকে ওয়েসে বলা, আর কিউকি মুঝে সর্দি লগা হুয়া হে, তো ফির মন কর রহা থা ওয়েসে চা পিনে কা, এসে মে চায় নাই পিতি হুঁ, আর ইনকো বোল লেউ না কি বনা কে থোড়া দিজিয়ে মুঝে, মন কর রহা হে, তো ডিসাইড নাই হো পায়া কি মে বনাউ ইয়ে ইয়ে বনায়ে, তো ইসিলিয়ে ফোন কিয়া গিয়া মা বাবা কো, তো মা ইনকো বলি যাও তুম বনা কে দো, মে হতি তো মে বনা কর দেতি, পর জব মে পাস মে নহি হু তো তুমারা ইয়ে জিম্মেদারি হে কি তুমি বনা কে পিলাও, তো পর ইয়ে বোলনে কুছ আচ্ছা চিজ বোলো তো মে বনা কে দে সকতা হু, পর ইয়ে লাল চা মুঝসে নহি হোগা, ওর ভালে তুম বনা ওর মুঝে ভি দো ওর খুদ ভি পিও, এসে বোলনে হে, যাও না যাও, ফরমাইশ কর রহি হু, পুরা নহি কর রহে, দেখিয়ে वेट करूंगी आधा घंटा, क्योंकि अभी बस 10 बज रहा है, मैं 10:30 बजे तक भी वेट करूंगी लाल चाय पीने के लिए। और बेटी पढ़ाई कर रही थी, अभी अभी आई है, उसका दादी से बात करने के लिए आई हुई थी, और बदमाशियाँ शुरू कर दी। आप लोग ही बोलिए कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए फरमाइश पूरा, चाहे वो कितना ही चीप हो और कितना ही महंगा हो। मुर्गा लड़ाई मुर्गा लड़ाई कोई देखे कि नहीं देखे, देखिए मेरे घर में चल रहा है मुर्गा लड़ाई, कौन सा मुर्गा जीतता है। फाइनली आ गए हैं मेरे लिए चाय बनाने के लिए, मैं बनाकर पी सकती हूँ पर मुझे मन नहीं कर रहा है पीने का, तो मेरे लिए लाल चाय बनाने के लिए फाइनली आ गए हैं, और खुद के लिए भी अगर बनाना है तो आप भी पियोगे? हम ही पिए, तो देखिए मेरे लिए मुझे आज कैसा चाय पीने का मन कर रहा है वही बना रहे हैं वो, ये करना चाहिए, ये होते हैं गुड हस्बैंड वाली क्वालिटी, ये होता है। और ये तो मौका है ना कि इमोशनल ब्लैकमेल करो, कुछ भी फरमाइश पूरा करो। मुझे क्या बनाना नहीं आता, मुझे बनाना आता है, पर है कि मुझे बनाने का मन नहीं था, कोई बना के दे तो पीने का मन था। क्या ढूंढ रहे,
বাস जबरदस्ती कराने का यही होता है नतीजा कभी कभी। ए आप थोड़ा हंस के दिखाओ, नहीं तो सबको क्या बोलेंगे जबरदस्ती कर रहे हो, जबरदस्ती करवा रहे हो तो। हाँ तो हंस के दिखाओ कि खुशी खुशी मेरे लिए कर रहे हो ये सब। खुशी किस बात की? मेरे लिए लाल चाय बना रहे हो। देखिए हम किस तरह से बहुत दुख के साथ कितना दुख बहुत दुख के साथ बना रहे हो मेरे लिए लाल चाय। चम्मच से दीजिए थोड़ा मीठा मीठा, ज्यादा ज्यादा मीठा मीठा और नहीं, ज्यादा मीठा बिल्कुल नहीं। क्यों तू तो इडली खेब जाओ ना, खेबी ना देखो, देखे सीखे सीख लो अच्छे से। जैसे ये मना किया ना कि नहीं बना देंगे, तो बेटी बोली थी मैं बना के दूं, वो मेरा बड़ी ख्याल रखती है, बहुत ख्याल रखती है, एक्चुअली बहुत ख्याल रखती है। उसमें नहीं छोटा कप पीना है मुझे, नहीं उसमें हाँ, नहीं नहीं छोटा कप इसी में ही पिलाएं, छोटा में देंगे नहीं नहीं, 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 नहीं वो आपका है, वो हम जब दूध चाय पियेंगे उसमें पियेंगे। नहीं ऐसा नहीं। और क्या दे दे दे। हाँ काला नमक कहाँ है? काला नमक उधर। उल्टा हो जाएगा, वो खुद ही मिल जाएगा, इतना मेहनत का जरूरत भी नहीं है मेरे पास, हर चीज में मेहनत से कमी नहीं। मैं पहले ही भाग जाती हूँ, मेरे पास लेके पहुँचाइएगा जैसे मैं आपके पास पहुँचाती हूँ। नहीं आइए, लेके आइए, लेके आइए, पहले ही भाग के आ गई, मेरे पास ही पहुँचाना है आपको। आज बड़ी मज़ा आ रहा है मुझे इनको परेशान करके, यही होता है पेरेंट्स में परेशान करना हस्बैंड को। तो लेके आ रहे, मैं बोली हूँ कि मैं पहले ही जा रही हूँ, आप लेके मेरे पास पहुँचाइएगा, जैसे जहाँ आप रहते हो मैं लेके पहुँचाती हूँ। आ गया मेरा चाय। मैडम चाय। ओ मेरे लिए? नहीं चलो। मेरे लिए ये आ गया मेरा चाय, जैसे मैं चाह रही थी बिल्कुल वैसे बनाए हैं। और थोड़ा सा वो चाय आपको भी पीना था ना? नहीं मेरा प्यास मिट गया। नहीं नहीं थोड़ा सा ले लीजिए आप भी, इसमें प्यास तो नहीं होगा, चाय का तलब मिट गया। यही तो चाहिए था। नहीं 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 भी कोई चारा नहीं, नहीं नहीं सीरियसली अच्छा बना है हमको ऐसा ही, थोड़ा सा तेजपत्ता का फ्लेवर, थोड़ा सा अदरक का टेस्ट और नींबू का टेस्ट, इतना हमको जरूरत नहीं था, फिर भी वो नींबू देके और अच्छा बना दिए हैं। चलिए आपको बहुत सारा थैंक यू, मेरा फरमाइश पूरा करके भी चारा नहीं, जो नेक्स्ट खाना है तो थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। नहीं बिल्कुल वो भी बात नहीं है, मम्मी बोल दी ना कि बना के दो बोलकर, मम्मी को फोन लगा के बोल दो बोल दिया। हाँ उनको वीडियो कॉल में दिखा देती हूँ कि वो बना के ला दिए हमारे लिए, तो वो खुश हो जाएंगी। जानंदनी फोन टा। मैं भी आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, मतलब दोपहर का लंच तैयार करने के लिए, तो ये सब सब्जी बनानी है आज मुझे, आज थर्सडे भी है और साथ में नेत्रोत्सव है। एक्चुअली आप सबको ना नेत्रोत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं, ये पहले ही बोलना था मुझे जो कि मैं भूल गई थी। तो कल है रथ यात्रा और ये सब वीडियो एक्चुअली लेट हो जा रहा है, मतलब कोई गारंटी नहीं हो रहा है कि आज ही जाएगा या कल जाएगा, इसलिए मुझे ख़राब भी लग रहा है, पर हो जा रहा है, क्या कर सकते हैं बोलिए। तो अभी मुझे दही बैंगन बनानी है इसका अभी सबसे पहले, और ये है तोरई, इसको खसखस डालकर बनानी है, और साथ में ये है मीठा करेला और ड्रमस्टिक, इसको फ्राई करना है, चावल बनानी है और साथ में रोटियां भी बनानी है। तो सबसे पहले इसको बनाएंगे, फिर हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, बस
अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, सरसों तेल, फिर सरसों इसमें हम लोग दे देंगे थोड़ा सा एकदम तेजपत्ता, और लाल मिर्च की जगह मैं यहाँ पर हरा मिर्च दे रही हूँ। और इसी में ही ये ड्राई रोस्ट जीरा पाउडर है, इसको दे देते हैं। ये धनिया बनकर तैयार, इसको कर लेते हैं साइड। और यहाँ पर ये है जो खसखस डालकर बनाने वाली थी तोरई का, वो बना रही हूँ, फ्राई करने रखी हूँ, फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ खसखस पेस्ट यानी पोस्तो। पोस्तो किसका किसका फेवरेट है आप लोग बताइए कमेंट में, मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे घर में मुझे सिर्फ नहीं, घर में सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है खसखस का सब्जी हो, खसखस का बर्रा हो, चाहे जो भी हो। और यहाँ पर इसको तो बॉईल करके रखी हूँ, इसको बस कॉर्नफ्लोर हो या फिर बेसन हो कुछ देके फ्राई करूँगी। खाते टाइम आम को काटना है मुझे, आज दाल नहीं बनाई पता है, क्योंकि दाल आज मुझे मन नहीं कर रहा था। और ये दोनों को तो रेगुलर खा करके ना ये लोग का मुंह ख़राब हो चुका है, पता नहीं दाल खाने से क्या दिक्कत है, पर हो चुका है। अब इसको हम लोग ठंडा हो चुका है हल्का सा, अब हम लोग इसको डाल देते हैं दही में। छोटा बट रहा है जगह, इसको थोड़ा सा बड़ा जगह में लेके। और मेरी मम्मी जैसे करती है ना, बेसन में घोल बना लेती है दही को, फिर मम्मी का स्टाइल थोड़ा अलग है, मैं दूसरा स्टाइल से बनाती हूँ, क्योंकि वैसे बना देती हूँ मैं तो बेटी कभी कभार पसंद नहीं करती है, जिस वजह से मुझे ऐसे बनाना पड़ता है। ये एक बार मिला लूँ ना फिर दिखाती हूँ आप लोगों को कितना अच्छा दिखता है ये, और खाने में तो बहुत ज़बरदस्त, हल्का हल्का खट्टा खट्टा, हल्का हल्का मीठा मीठा, मतलब मीठा अपना पसंद का, वो पसंद हो तो ही डालें, ना पसंद हो तो बिल्कुल ना डालें। बस ये रेडी हो चुका है, अब इसको कर देते हैं साइड। और यहाँ पर ये भी मेरा ऑलमोस्ट तैयार है, इसको ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि दाल नहीं है तो थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए। मस्त लग रहा है ना, खाने में भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ज़्यादा खसखस होना चाहिए ना। रोटी स्पेशल मीठा गुपचुप पापड़ी सबका आया है, हम लिए लंच प्लेट रेडी। ये है आज का लंच में, हम दोनों तो खाने के लिए बैठ गए क्योंकि बेटी अभी गई है नहाने, इतना लेट आज, और बदमाशी तब से इनके साथ लग रही थी नहीं गई नहाने और अभी जाके नहाने जा रही है, ये नहा के आ चुके हैं और हम लोग खाने के लिए बैठ गए। मुझे और वेट नहीं हो रहा था, मैं तो फिर भी वेट कर ही रही थी कि आ जाए फिर साथ में खाते हैं, पर भूख के मारे जान जा रही है मेरा। और क्या कह रही थी आप लोग को, हाँ ये जो मेरे लिए चाय बनाई ना उसके बदले मैं ना इनका बालों में हेयर ऑयलिंग की हूँ आज, पूरा मसाज करके अच्छे से। आप लोग सोचोगे वीडियो क्यों नहीं की, क्योंकि तब मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं भूल ही गई एक्चुअली। और कितना गर्मी लग रहा है देखिए, इतना उमस भरा गर्मी है ना, धूप नहीं है आज पर उमस भरा गर्मी है, जो कि बहुत खतरनाक गर्मी लग रही है। तो अभी हम लोग खाने बैठ रहे हैं, ब्लॉग कर रही हूँ यहीं पर एंड। कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग खाने बैठ जा रहे हैं, बहुत जोर का भूख लग रही है और अभी मुझे पूरा पेट भर के खाना है, क्योंकि हम दोनों हैं ना अभी। कुछ बोलोगे, बाय बाय कुछ तो बोल दो, और कुछ बोले नहीं, आपका बालों में हेयर ऑयलिंग की हूँ वो तो कम से कम एग्री करो, सबूत है। यही तो बात है ना, बिना सबूत का आजकल कोई कुछ मानता नहीं है। खा लेती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट और एक ब्लॉग के साथ मिलूंगी आप लोग को। फिर से रथ यात्रा और नेत्र उत्सव का बहुत सारी शुभकामनाएं, बाय बाय।